हेलो। हाँ बेटा, कहाँ तक पहुँचे हो तुम? अरे अब्बा, मैं रास्ते में हूँ, बस जल्दी पहुँच जाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस बस जल्दी पहुँचो, अब सबर नहीं हो रहा, जल्दी आ जाओ बस। अब्बा, 2 घंटे का तो रास्ता है, बस अभी पहुँच जाएंगे। ठीक है। क्या मसला है भाई? काम नहीं करना? पेंट ही नहीं किया अब तक? चलो जाके पेंट करो। और तू, ये काम कौन करेगा? तुझे पता ना, आज फंक्शन है। इनके फंक्शन ना बड़े हसीन होते हैं। आज भी कोई डांसर वांसर बुलाई होगी। एहसान खान के फंक्शन भी बहुत ही रंगीन होते हैं। नाच गाने के बगैर कहाँ मुकम्मल होते हैं इनके फंक्शन। वैसे तो बाप बेटे की बनती नहीं। खैर देखो इस दफा क्या होता है। हमें क्या जी, बने ना बने हमारा दिल बड़ा खुश होता है। अच्छा चल जा, जाके काम कर। मत मारी गई है, किन मनहूसों से बात करती हूँ। इतनी बड़ी हवेली है, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। मनहूस मारे लोग। आज का दिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि दुनिया तमाशा देखेगी। अब भी तो आपके सारे तमाशे दुनिया ही तो देखती है। बंद करो अपनी बकवास। आज तुम इस कमरे में बंद रहोगी, याद रखना। जी जी, मैं इंटरनेशनल फीमेल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से हेड हूँ पाकिस्तान में। जी मुझे रिपोर्ट मिली है कि आपने ब्रिटिश नेशनल लड़की को अगवा किया है शादी के लिए। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो लड़की मेरी भतीजी है और अपनी मर्जी से हमारे साथ रह रही है। क्या मिल सकता हूँ उनसे? नहीं, इस वक्त तो वो अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी टूर पर गई हुई है। ये स्टूपिड इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी है? क्योंकि हमारे पास पूरा राइट है इस झूठ के खिलाफ कार्रवाई करने का। ये केस कैफी साहब ने फाइल किया है। जी, कैफी तो बड़ा नीच और घटिया आदमी है। वो तो सुबह में धमकियां देकर गया है, ये सब वो जानबूझकर कर रहा है। जी अच्छा, और ये सब उसी ने किया होगा और सब उसी की प्लानिंग है। देखें ऑफिसर, इनफैक्ट वो यही रह रहा था, किसी बात पर नाराज होके गया है, शायद गुस्से में ऐसी बातें कर रहा है। चले इस पे तो मजीद इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, लेकिन ईशल कितने दिन में वापस आएगी और वो कहाँ है इस वक्त, ये डिटेल आपको मुझे देनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। इनफैक्ट सुबह मैंने उसके ऊपर केस करना। आई विल सी यू इन कोर्ट और फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। ओके, अगर आप हाजिर रहेंगे तो सी यू इन कोर्ट। जा रहे हो दाऊद? कैफी से मिलने जा रहा हूं। दाऊद बेटा, तुम उससे नहीं मिलोगे। मैं कुछ नहीं होता मुझे, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मैं अभी बस आ जाऊंगा वापस। मैंने कह दिया तुम उससे नहीं मिलोगे। तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया तो मामला मजीद बिगड़ सकता है। मैं कुछ नहीं होता, प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं होता। ये
कैफी इतना घटिया इंसान निकलेगा मैं कभी सोचा भी नहीं था। उस केस का क्या करना है जो उसने हम पर कर दिया? केस को भी देख लेंगे। तुम उससे मिलोगे कैसे? तुम्हारे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। एड्रेस मैंने उससे ले लिया था। अच्छा, और उसने तुम्हें दे दिया? क्योंकि मैंने उसे कहा था ईशा तुमसे मिलने के लिए आ रही है, और आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं बस अभी वापस आ जाऊं। कितनी प्यारी हो ना, हूबहू अपनी माँ जैसी, खूबसूरत और बेबाक। किस्मत भी उनकी जैसी। ऐसे ना कहो, तुम्हारी माँ की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो इस हवेली का सुकून और खुशी थी। अगर वो दिन कहती थी तो दिन होता था, और अगर वो रात कहती थी तो रात होती थी। सब उसको बेपनाह मोहब्बत करते थे। क्यों मार दिया मेरी माँ को? क्यों? क्योंकि उसने बगावत की थी। उसने इस हवेली की दीवारों से बाहर झांककर देखने की कोशिश की थी, क्योंकि वो ये बात भूल गई थी कि इस हवेली में रहने वाली औरतों की ख्वाहिशात को इसकी बुनियादों में ही दफना दिया जाता है। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, ये उनका राइट था। लेकिन इन बातों को यहां पर कोई नहीं मानता। यहाँ इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो सानी बेगम चाहती हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो। अगर खुदा ने मदद करनी थी ना तो बात पहले ही करते थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। एक वो ही तो है जो हर मुश्किल से हमें निकालता है। मैं नहीं मानती। मान जाओगी, वो एक ना एक दिन तुम्हारी मदद के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और फिर तुम्हें अल्लाह की बड़ाई और रहमत पर यकीन आ जाएगा। अच्छा चलो, ये खा लेना, क्योंकि आज सब जश्न में मसरूफ होंगे। पता नहीं तुम्हें कोई पूछे कि ना पूछे। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेगा। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और फिर तुम्हें अल्लाह की बड़ाई और रहमत पर यकीन आ जाएगा।
मिशेल के लिए केस तूने फाइल किया है? हाँ, मैंने फाइल किया है। तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारी बहन के लिए केस करने के लिए, और वो भी हमारे खिलाफ? लिसन ब्रो, ये हाथ मैं भी उठा सकता हूँ और ये गिरेबान मैं भी पकड़ सकता हूँ। तो पकड़ना पकड़ना, मैं खड़ा हुआ हूं। से लगती क्या है वो तेरी? वो क्या लगती है मेरी, ये सुनना चाहता ना तू? She is my friend. जो तेरा किरदार है ना, वो तेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। और ईशल तो किसी तरीके से हमें वापस मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वो वापस आ गई ना, तो वो तेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। और मेरी बात याद रखना, ये मेरा वादा है तुझसे। शुक्र है तुम्हारी भी शक्ल कुछ इंसानों वाली हुई। माँ दुआ करें ना ईशल मिल जाए। मिल जाएगी बेटा वो, मैं तुम्हारे कहे बगैर दुआ करती हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी वो। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची है। माँ वो ठीक तो होगी ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक होगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ मैं तो चाहती हूँ कि फिक्र नहीं करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी अपने दिल पर हाथ रखती हूँ ना, तो एक ही ख्याल आता है कि अगर खुदा ना खास्ते उसकी जगह मैं होती तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ईशल को भी अपने हिफ्ज व अमान में रखे। अल्लाह ताला मेरी दोनों बच्चियों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे और उनका नसीब अच्छा करे। थोड़ा सा तुम भी दाऊद की खातिर अपने आप को संभालो। मैं तो चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, आप ही बताएं ना। अच्छा तुम ये चाय तो पियो, कितने दिनों से ना तुमने सही तरीके से कुछ खाया है और ना पिया है। जी। इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले इस जेम से तो बात करूं, मुझे बताए बगैर। हेलो मैन। हेलो, दैट्स नॉट फेयर। व्हाट हैपेंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? तुम अच्छी तरह से जानते हो या जानबूझकर अनजान बने हुए हो? मैं ही कह रहा हूं ना, दैट वॉज माई फॉल्ट, मुझसे गलती हुई थी और मैं ये वापस ले रहा हूं केस। सॉरी। लेकिन आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वो इस केस में इन्वॉल्व है? वो उस घर के लोगों ने शक जाहिर किया है शाफिन साहब पर, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो आपकी शाफिन से इस सिलसिले में बात हुई? जी, एक आध मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने तावुन की पूरी यकीन दहानी करवाई है मुझे। तो फिर आपका यहाँ आने का मकसद? वो कुछ सवाल जवाब थे, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि शाफिन साहब आपके बेटे। तो आपको इस बात का यकीन आ गया है कि शाफिन ऐसा नहीं कर सकता? जी, यकीन तो पूरा है सरकार,
मगर वो कानून के कुछ तकाजे, मजबूरियां, वो आप मैं जानता हूँ इन कानूनी तकाजों को। शाफिन शहर से भाग गया हुआ है, जैसे ही वो आता है मैं आपके बारे में उससे बात करूंगा और आपकी मुलाकात उससे करवा दूंगा। जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जीते रहिए। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो, कैफी केस वापस ले रहा है। मुझे ईशल की फैमिली और कैफी की बातों में कुछ डिफरेंस लग रहा है। तुम एक काम करो, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। थैंक यू। यू मे लीव नाउ। अरे बाबा जान, आप यहाँ हैं? हाँ यार दाऊद, थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था इसलिए दिल ने चाहा कि खुली फिजा में थोड़ी वॉकशॉप की जाए। Oh, that's great. अच्छा किया आपने। बाबा जान, मैं सोच रहा था कि जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगे तो ईशल वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह, शाफिन भी यही कह रहा था। शाफिन क्या क्या कह रहा था? शाफिन कह रहा था कि ईशल बहुत डिटरमिन है और बहुत जल्द अपने आप को डिस्कवर कर लेगी। बाबा जान, आप तो जानते ही हैं ईशल को, जब तक वो मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हो जाती कोई भी उसे कन्विंस नहीं कर सकता यहाँ रहने के लिए। हाँ यार, अल्लाह करे। देखो यार, जो दुख हमें मिला है उसके नतीजे में ये खुशी मिल जाए तो बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह। और सुनाओ? बस बाबा जान, जल्दी से। शाफन मियां के जाने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप सही कह रहे हैं करीम मियां, जब शाफिन छोटा सा था तब से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं करीम मियां। जी आपकी हिदमत तो मेरी खुश नसीबी है, लेकिन लेकिन बस शाफिन मियां ना हो तो हमारे घर में रौनक नहीं होती। हाँ ये तो है, लेकिन आप जानते हैं शाफिन की जिंदगी का ये बहुत अहम सफर है, आप भी उसके लिए दुआ गो रहे हैं। क्यों, कोई परेशानी है क्या? मुश्किलात से गुजर कर ही कामयाबी मिलती है करीम मियां। उकाब की माँ जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो सबसे पहले उसे 60,000 फुट पर ले जाकर छोड़ देती है और वो हवाओं से टकराता हुआ जमीन की तरफ गिर रहा होता है तो करीब जाकर फौरन झपट लेती है, उसको संभाल लेती है। ऐसा उसे बस एक दो बार ही करना होता है, उसके बाद वो बच्चा उकाब बनकर ऐसा उड़ता है, ऐसी हवाओं से टकराता है कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा है, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू कर्म रखने का एक बहाना। इकबाल की और आपकी बातें जिनको सुनने को मिले वो भी खुश नसीब है। को उनके दिल से पूछ, जुए शीर के शोर संगे ग्रहे लगी, संगे ग्रहे
अनीस खान मेरा बेटा। अरे क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल बेटा। अब ये मेरा दोस्त है शाफ़। अरे आओ बेटा आओ, माशाल्लाह। भाई बाहर क्यों खड़े हो, आओ ना अंदर आओ। आओ मैं तुम्हें मस्त मिलवा, आओ आओ आओ। कैसी है मेरी प्यारी माँ? मिल गया तुम्हें मेरे लिए टाइम? अम्मा आपको पता तो है मेरा यहाँ के दिल ही नहीं लगता, एक अजीब सी घुटन महसूस होती है इस हवेली के माहौल से। माँ प्लीज आप रोया मत करें, आपको पता है आपके आंसू मेरे दिल पे बहुत भारी पड़ते हैं। ये तो खुशी के आंसू। कहाँ है खुशी, मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा ना, तंग ना करो मुझे। माँ प्लीज खुश रहा करें, आपको पता है ना आपका बेटा बड़ा हो गया, और अब आपका बेटा आपको जिंदगी में वो सब कुछ देगा जो इस घर में पहले आपको कभी नहीं मिला। अच्छा तो क्या दोगे तुम मुझे? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, एतमाद और आजादी। और जब एक परिंदा सालों पिंजरे की गुड़न में कैद रहा हो और उसे जब आजादी मिले, आजादी की खुशी उसे मार देती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं जब यहां से निकली तो मैं भी मर जाऊंगी। माँ प्लीज ना उम्मीद मत हुआ करें और उदास भी मत हुआ। अरे बाबा जान आप आ गए, मैं आपके लिए सूप बाहर ही लेकर आने वाली थी। मैं, मुझे अभी भूख नहीं है, आप रख दो बाद में पी लूंगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुद बनाया आपने? जी बाबा जान। ईशल ने पता नहीं क्या खाया होगा। खा लिया होगा बाबा जान, अपने ट्रिप पर गई है, एंजॉय कर रही होगी। मत समझाओ मुझे। और हाँ, अगर मैं इस कर्ज में मर जाऊं ना तो ईशल को बता देना कि तुम्हारा बाबा तुमसे नाराज थे। बाबा जान बाबा जान। आओ बेटा आओ। आपने मेडिसिन नहीं खाई अभी तक? हाँ बेटा नहीं खाई, मैंने इसलिए नहीं खाई कि मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी प्यारी सी गुड़िया आएगी और अपने हाथों से मुझे दवाई खिलाएगी। आई एम सॉरी बाबा जान, लेकिन ये क्या बात हुई, अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे। देख ले बेटा, इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। दिस इज नॉट फेयर बाबा जान। Thank you.
चाहकर भी अपने खानदान में से फजूल के रस्म रिवाज खत्म नहीं कर सकता। कुछ चीजें जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं, उनको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। हाथ में आएगी सबसे पहले ये चीजें खत्म करो। इंशाल्लाह। उदास मत, इस तरह तो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है फंक्शन खत्म हो गया, तुम्हें काम करो, तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तू अपनी बकवास बंद कर। हमने तुम्हें इसलिए नहीं था पढ़ाया लिखाया कि तू आज हमारे ही सामने खड़ा हो जाए। तालीम ने ही मुझे शऊर दिया कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकूं। अब भाड़ में गई तेरी तालीम। जो लोग हमारे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, वो आज हमारे घर की तरफ उंगलियां उठाएंगे। अब्बा खुदा के लिए निकल आए इन चीजों से, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और हम आज भी उन्हीं फजूल रस्मों और रिवाज में घुसे हुए हैं। आज आपकी वजह से मैं अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा हो गया हूं। हमारा जीना मरना हमारी पहचान हमारी रवायात हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं। हम जीना तो छोड़ सकते हैं मगर अपनी रवायात को नहीं छोड़ सकते। और यह बात तू अपने दोस्त को भी अच्छी तरह समझा दे। मुझे लगता है कि मैं यहां पर सिर्फ आके पत्थरों में अपना सर टकराता हूं। हां तो ना आया करना, मगर एक बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल ले कि तू जो कुछ भी है इसी घर की वजह से है। बड़ा आया समझाने वाला।